नमस्कार दोस्तों, दिनेश स्वागत करता हूं आपका प्रिडिक्शन मार्केट में, मार्केट प्रिडिक्शन में। और मैं यहां पे आपको आज की न्यूज़ जो बता रहा हूं, आपकी मार्केट को देखिए आप, 11,440 पे निफ्टी बंद हुआ है और 38,756 पे जो कि है सेंसेक्स बंद हुआ है। यहां पे बहुत बेकार न्यूज़ है, क्योंकि लास्ट में जो कि शुरू में जो मार्केट यहाँ पे चालू हुआ तो 75 से जो है रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा था, अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे ग्रोथ कर रहा था। बात करते हैं टीसीएस की, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपकी बात की थी कि टीसीएस कंपनी जो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ देखने को मिलेगा, और ये जो है रिलायंस को पीछे छोड़ने की वाली अच्छे खासी कंपनी जो बनने वाली है। सो यहाँ पर बात करूँगा यहाँ पे ITC की, TCS की, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और मैं यहाँ पे जो आज कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ तो वो है अपनी ITC कंपनी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी ऐसी कुछ न्यूज़ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पे आपको मिलती रहती है। सो आप बात करते हैं ITC से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है अपने पास, तो मैं ITC से रिलेटेड न्यूज़ की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो तंबाकू सेक्टर के लिए कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं रखी गई है या जिससे रिलेटेड कि तंबाकू बंद हो गया है या बिल्कुल या बैन लगा दिया गया है, इस पर कोई टैक्स का ज़्यादा भार है। इसी वजह से जो है एक ITC से रिलेटेड के काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन ऐसा कुछ किया नहीं है। उसी के बाद अगर बात करते हैं ITC के शेयर की, तो आज काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 185 तो यहाँ पे 186 तक जो है शेयर ने आज ग्रोथ दिखाई है और वहाँ पे तक ये आराम से गया हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के अनुसार जो शेयर है काफ़ी ऊपर तक गया था, पर एकदम इसका देखिए, मैं इसका हाईएस्ट आज का लेवल बताता हूँ आपको। ये देखिए 185.75, ठीक है 185.75, ठीक है इतना ऊपर गया, जाके वापस से नीचे आया। तो क्योंकि यहाँ तक अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ पे जैसे आपने शाम तक इसको ख़रीदा तो वापस से ये आने वाले अगले हफ्ते तक, इसी हफ्ते में यहाँ पे इसकी चाल चलन आपको नज़र आती रही दिखेगी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा शेयर जो है यहाँ पे बुलिश करता हुआ नज़र आएगा, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मल्टीबैगर शेयर जो है काफ़ी अच्छा, इसका जो फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको लगता ही है कि काफ़ी अच्छा जैसे रिटर्न देने वाला शेयर है और आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा। मैं यहाँ पे बात करता हूँ हमेशा कि आपने होल्ड करके रखने का शेयर के, तो वो मिनिमम 6% 6 महीने के लिए आपको इसको जो है होल्ड करके रखना है, ताकि आने वाले टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शेयर की बात करते हैं तो इसने नए नए जो अपने FMCG के में काफ़ी अच्छा दबदबा बनाया हुआ है, और आने वाले टाइम पे जो FMCG सेक्टर को इसने काफ़ी अच्छा घेरा हुआ है, तो आने वाले टाइम पे FMCG सेक्टर में ITC एकदम पूरा जो जाना जाएगा। वैसे FMCG के सेक्टर में वैसे ये दूसरे नंबर पे शेयर है और काफ़ी अच्छा ये रिटर्न जो है देने वाला शेयर माना जाता है। वैसे बात करते हैं इसका आज के पूरे दिन की, तो भारतीय 1 बजे के आसपास ये जो वापस 83 जो है चला गया था। अब इंटरडे में अगर ट्रेड करते हैं तो आपको इंटरडे के अंदर इसका 183 पे आप कुछ खरीद के आपने इसको 184 पे जो वापस जो सेल करते हैं आपका टारगेट प्राइस रहता, तो 1 रुपीज़ में आपको जितना जो प्रॉफिट निकल सकते थे आप निकाल सकते थे आराम से, यहाँ पे 1 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है निकाल सकते थे यहाँ पे शेयर को इंटरडे में करके। बट इसमें अगर आपने एंड तक ख़रीदा देखा होता तो कि यहाँ पे आपको शेयर में लॉस देखने को मिल सकता था। सो यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल समस्या रहती है कि आपने इंटरडे में जो शेयर को ख़रीदा होता है, मेरे जहाँ से कि यहाँ तक आपने अगर खरीद किसी को शेयर को ख़रीदना ही है तो बात करते हैं यहाँ पे आपने यहाँ पे होल्ड करके रखिए, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे पिछले 5 दिन की, जो पिछले हफ्ते में जो शेयर ने काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे अप एंड डाउन किया था, तो यहाँ पे जो अप एंड डाउन हुआ इसका काफ़ी ऊपर उमदा हुआ, क्योंकि 190 तक जो शेयर जाने वाला था पर वहीं पर इसका ब्रेकडाउन हुआ और एकदम 185 पे 196 पे यही है ब्रेक हो गया। तो मानते हैं इसकी न्यूज़ पे जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो आइए इसकी न्यूज़ की बात करते हैं, तो न्यूज़ में अभी आ रहा है कि इस पर इसके जो मे बात करते हैं शेयर की, तो काफ़ी अच्छे शेयर जो हैं 25 शेयर जो हैं तंबाकू सेक्टर्स में इसके चलते हैं। तो उसके साथ तंबाकू सेक्टर अगर इसका पूरा अर्ध से खुल जाता है, जैसे कि अभी जिसकी न्यूज़ आई है तंबाकू से रिलेटेड कि कोई बैन ऐसा कुछ है नहीं, तो तंबाकू सेक्टर का काफ़ी अच्छा इसमें योगदान हो सकता है, क्योंकि अधिकतर जो 25 जो सेक्टर्स में है तंबाकू सेक्टर से यहाँ से चलता है, और इससे कोई खास जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा शेयर पे, और जो न्यूज़ की वजह से ही शेयर ऊपर से नीचे हो गया है। सो आने वाले टाइम पे जो मल्टीबैगर शेयर जो है यहाँ पे होने को देखने को मिल सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके इन्वेस्ट में यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे बड़ा योगदान रहेगा। सो मैं बात करता हूँ यहाँ पे अच्छे खासे शेयर्स की, तो मैं यहाँ पे अच्छे खासे शेयर में आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको अगर कोई
ऐसा कोई शेयर पसंद है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि शेयर के रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपने यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज़ जो लाता रहता हूँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐसे कुछ शेयर पड़े हुए हैं जिसे मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो अभी जो है उनमें थोड़ा लॉस चल रहा है, तो मैं अभी आपको बताऊँगा उस समय जब आपको प्रॉफिट नज़र आएगा, क्योंकि कुछ शेयर में तो मेरा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि लेकिन ऐसा रहेगा कि कुछ शेयर ऐसे हैं कि उनको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा हुआ है, तो मैं वैसे अलाउ नहीं करता हूं अपने आप को कि उनके लिए मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा नेक्स्ट जब भी मेरा एक जो ITC का शेयर मैंने 25 शेयर जो खरीदे हुए हैं वो आने वाले टाइम में मेरे ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए। तो मैं चाहता हूं कि आपको एकदम पॉजिटिव न्यूज़ मिले और मैं भी चाहता हूं कि अपने लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ मिले, तो मैं आपको साफ बता रहा हूं कि मुझे यहाँ पे नज़र जो आई है वहाँ पे काफ़ी है। और आपको आइडिया के बारे में क्या ख्याल है आपका कि कैसा शेयर है, तो आप कमेंट में लिख के बताइए आने वाले टाइम पे कितना मल्टीबैगर शेयर जो है हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शेयर की तो काफ़ी अच्छी कीमत लगाई जा सकती है और काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे चैनल की, तो आपने सब्सक्राइब कर तो कर ही लिया होगा, बात ही यहाँ पे सीधी है कि आपने हमेशा लॉन्ग टर्म और अपनी सेविंग्स को एक म्यूचुअल फंड्स टाइप में यहाँ पे इक्विटी शेयर में जो आपकी खरीद के रखना होता है, और आपने अच्छे से आपको मेंटेन जो फैमिली इश्यूज होते हैं उनको संभाल के रखना होता है। आपने हमेशा एक अच्छे बिजनेस करता है आप उसकी तरह से नहीं सोचना होता है, अब एकदम सटीक आंसर दें तो यहाँ पे सारा कुछ आपने सिक्योर रखना है। बात करते हैं यहाँ पे अच्छे इन्फोटेल शेयर की, तो 202 पे यहाँ पे बंद हुआ है, और जसवाल स्टील की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका भी एक अच्छा खासा योगदान रहा है। बजाज फाइनेंस जो कि अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे अभी जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। 3500 यहाँ पे जाने वाला था शेयर, बट यहाँ पे वापस 103 जो है गिर चुका है, और काफ़ी 3% गिरना इसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि ये जब गिरता है और बढ़ता है, ये जब बढ़ता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है। बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो ये कल आज की ही बात करते हैं, तो मिनिमम ये 455 जो है आप यहाँ पे इसका बड़ा से हाईएस्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। AU बैंक की बात करते हैं तो 700 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसके थ्रू भी मिल सकता है, 735 725 यहाँ पे 800 तक से ऊपर ये शेयर अभी कोरोना टाइम पे भी गया है, तो मान लीजिए अगर आपने अगर नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ पे भी बेचा तो यहाँ पे 1500 के रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ITC टाटा मोटर्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो 144 जो है मैंने 140 में मैंने इसको खरीदने की बात कही थी, 148 पे यहाँ पे देखने को 3% जो है बढ़ा हुआ है। तो बात करते हैं आने वाले टाइम की, तो ये 202 के आसपास जो है शेयर 220 के आसपास जो यहाँ पे ट्रेड करता नजर आएगा अगले एक महीने में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा शेयर जो है हम देखने को मिल रहा है। आपने इसे ख़रीदना है तो काफ़ी अच्छे टाइम पे ऐसे ख़रीद के रखिए, और आने वाले टाइम पे आपको मल्टीबैगर शेयर जो यहाँ पे नज़र आएगा। और IRCTC की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी नीचे लो में गिरा है, तो आपने यहाँ पे इसको बाय करके रखना है, या फिर बाय नहीं करते हैं तो यहाँ पे इसको होल्ड रखना है अपने शेयर को जितने भी आपने खरीदे हुए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो 1500 से ऊपर जगह इसके जाने वाले आसार लग रहे हैं। तो बाय की बात करते हैं डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट की, तो यहाँ पे 2162 काफ़ी लो पे आया है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका 2500-2300 चलता रहता है, तो यहाँ 76 जो है गिरने का चांसेस ये रहा है, क्योंकि अभी जो क्वार्टरली इसका डिमांड का रिजल्ट आया था काफ़ी ऊंधा आया, क्योंकि इसका काफ़ी बेकार न्यूज है, क्योंकि काफ़ी चलता है डिमांड से, तो अभी इसका रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव पॉइंट देखा गया है कि इसका रिजल्ट ख़राब है, वरना कि वो जो शेयर है काफ़ी अच्छा धमाने की ये कंपनी है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाता है कंपनी में। सो बात करते हैं यहाँ पे यस बैंक की, यस बैंक काफ़ी अच्छा शेयर है यहाँ पे, और अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जसवाल स्टील्स की बात करते हैं तो ये 9 रुपये गिरा है, मतलब 9 रुपये बढ़ा है, तो 2% इसका बढ़ना काफ़ी अच्छा यहाँ पे शामिल होता है, क्योंकि जो इसको बात करते हैं इसके ऑर्डर्स की मिले तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस की जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ देखने को मिलेगा, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि काफ़ी अच्छा शेयर है, और आने वाले टाइम पे ये 415 तक जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे आपको जैसा बताया था वहीं आपको देखने को मिलेगा शेयर के, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और आने वाले वीडियो में आपको सारी कुछ जानकारी बता दूंगा। TCS की हमने कल पहले इससे पहले वाले वीडियो मॉर्निंग में जो है यहाँ पे बताया था कि आपको उसको खरीद के रखना है, तो यहाँ पे देखिए TCS का 117 जो यहाँ पे पॉइंट बढ़ा है, और आपको काफ़ी अच्छा शेयर यहाँ पे नज़र आएगा, और आने वाले टाइम पे ये 3000 जो कि रिलायंस की कंपनी है उससे मात देने वाला पहला शेयर बन सकता है। सो काफ़ी अच्छा शेयर है और काफ़ी आगे निकल गया है यहाँ पे दोस्तों। तो बात करते हैं इसके TCS की बढ़ने की, तो आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। धन्यवाद। और डीमैट अकाउंट नहीं है आपका तो डीमैट अकाउंट खोलने के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आपने से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं।
तो एंजल ब्रोकिंग मैं रिकमेंड करता हूँ, जो कि मैं अभी चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसमें प्लेटफॉर्म है और जीरो डिलीवरी पे लगेगा, इंटरडे पे आपका 20 रुपये लगेगा जो मिनिमम है। और भाई इससे भी अच्छा बताता हूँ मैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे इंटरडे पे रह गए थे सब कुछ है यहाँ पे, को बहुत ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और करेंसी का मिल जाएगा आपको यहाँ पे, मनी गोल्ड का मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे यहाँ पे सब कुछ न्यूज़ जो आपको प्रोवाइड करता रहता है, साथ ही आपको अच्छे से अच्छे शेयर की यहाँ पे डिटेल बताता रहता है। पोर्टफोलियो की यहाँ पे बात करते हैं न्यूज़ की, तो न्यूज़ यहाँ पे सारा कुछ आपको मोस्ट व्यूज्ड और जस्ट इन देखो ICICI बैंक की प्योर की AMC के बारे में बता देगा यहाँ पे, और मार्केट लाइव जो आपको आपके सेसेंग्स और ग्रीन HUL SCL के टच गर्स 10% जो भी आगे इसकी जो मिनिमम जो न्यूज़ आती रहती है वो आपको यहाँ पे कोविड इंपैक्ट के बारे में, ग्लोबल के और US मार्केट के बारे में आपको यहाँ पे जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी ये बता देगा कि आपको कितना परसेंटेज में आपको यहाँ पे प्रॉफिट का आपको यहाँ पे मिलेगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे न्यूज़ आपको बताता रहेगा। तो मार्केट की बात करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।